हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योर सेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो मैं बनाने वाली हूँ बिना मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है हाफ ग्लास दूध। अभी इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच विनेगर। विनेगर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे। विनेगर की जगह आप लोग नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पैकेट टाइगर क्रंच चॉकलेट बिस्किट का पैकेट लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसके बदले कोई भी चॉकलेट बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। लगभग 10 मिनट हो चुका है। अभी इस दूध में हम डाल देंगे बिस्किट का पाउडर, साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और अभी इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी डाल देंगे 1 चम्मच बटर। आप लोग चाहे तो बटर के बदले रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा केक का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। और अभी यहाँ पर हमने एक कटोरी लिया है, इसमें अच्छी तरह से बटर ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए, हमने बटर अच्छी तरह से लगा दिया है और यहाँ पर कढ़ाई में नमक डाल के 15 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए हमने ढक्कन रख दिया है हाई फ्लेम पर। और यहाँ पर कटोरी में हमने रख दिया है बटर पेपर। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो आप लोग इसके बदले नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अभी हम डाल देंगे केक का बैटर। बैटर डाल दिया है, अभी कटोरी को थोड़ा सा डैप कर लेंगे ताकि इसमें एयर बबल ना हो। और अभी इसको रख देंगे कढ़ाई में, लो फ्लेम पर 20 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो लगभग 20 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी फूल के उठा है, लेकिन बीच में अभी थोड़ा सा बेक होना बाकी है, तो इसे और 10 मिनट तक हम बेक करेंगे। तो लगभग 30 मिनट हो चुका है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और ढक्कन उठा लेते हैं। केक को हमने एक नाइफ की मदद से बीच में चेक कर लिया था, ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अभी इसे ठंडा होने देते हैं। केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अभी इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी चॉकलेट केक बनकर तैयार हो गया है। अभी इसके ऊपर से हम डाल देंगे चॉकलेट सिरप। तो देखिए, चॉकलेट सिरप हमने डाल दिया है ऊपर से और ये बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।